उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना क्या है, सवाल ये है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। सही है, हमें बताना है कि 256 और 789 के दरमियान ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सही है, डिवाइड का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, पॉइंट में आंसर ना हो। सही है, इसका मतलब होता है डिविजिबल होना। तो अब कोई भी नंबर, वैसे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा बता दूं, किसी भी अगर नंबर को आपने चेक करना हो कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसकी शॉर्ट टेक्निक क्या होती है। जैसे 259 मुझे पता है हो रहा है, मुझे पता है ना, मतलब जैसे 259 ये 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब मुझे पता है हो रहा है डिवाइड। तो चेक किस तरह करेंगे आप लोग, आप लोगों को तो नहीं पता ना, आप लोग चेक किस तरह करोगे, 259 अगर आपने चेक करना है ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या करो, जो आखिरी डिजिट जो है ना उसको डबल कर दो, 9 क्या है उसको कर दो 18 कर दो, उसके बाद शुरू की दो डिजिट जो थी उससे माइनस कर दो, 25 माइनस 18 क्या होता है 7 हो रहा है। अगर माइनस करने के बाद जो चीज़ आ रही है वो डिविजिबल हो रही है 7 से, तो उसका मतलब पूरा नंबर 7 से हो रहा है। तो मैंने माइनस करने के बाद 7 आया और 7 ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या बोल दिया, ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, जैसे एक और एग्जांपल 266, अब चेक करना 260 से डिवाइड होता है 7 से या नहीं। तो शॉर्ट टेक्निक क्या है कि 6 को डबल कर दो, 12 हो जाएगा। शुरू के दो नंबर पिक करो, 26 है, 26 माइनस 12 क्या आंसर आएगा आपके पास, 14 आएगा, और 14 7 से डिविजिबल है, 14 ओवर 7 क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। सही है, तो अगर आपने चेक करना हो कि नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो इस तरह आप चेक कर लो, 256 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। सही है, सिंपल सा है। अब आपको ये मालूम करना है कि 256 से लेके 789 के दरमियान जो नंबर है वो चेक करने ना कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 256 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो, एक तो इसका जुगाड़ ये है कि कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो क्या करो, सबसे पहले 256 डिवाइड बाय 7 करो, आंसर पॉइंट में आ रहा होगा। 257 डिवाइड बाय 7 करो, पॉइंट में आ रहा होगा। 258 डिवाइड बाय 7 करो, फिर 259 डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपके पास एक होल नंबर आ जाएगा। और क्या होगा, 259 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 337 आ जाएगा आपके पास। सही है, तो एक तरीका ये है जब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। अगर कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो दूसरे तरीके से किस तरह करोगे, 256 लिखा हुआ है इसको 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 4 बजेगा 46, 7 6 42 या 4 आ गया, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 4 आया है। तो अब क्या करो, इस नंबर में से 4 निकाल दो, 256 माइनस 4 करो तो क्या आ रहा है, 252। 252 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 7 से, लेकिन 252 इसकी रेंज में नहीं है, तो अब क्या करो, 252 में 7 ऐड कर दो, 259। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 252 के बाद जो अगला नंबर है वो क्या है, 259, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो एक दो तरीका ये आपके पास। सही है, अगर आप 789 का निकालोगे तब तो बड़ा आसानी से आ जाएगा आपके पास, उसमें आपको ये 7 कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। जैसे करो 7 1 7, फिर 7 1 7 1 9, 7 2 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सिंपल, 789 में से आप 5 निकालो तो आपके पास 784 आ जाएगा। सही, तो इसमें तो आपको अपर रेंज तो आपको पता चल जाएगी, लोअर रेंज के लिए आप इस तरह जुगाड़ कर सकते हो जो मैंने बता दी है। बाकी सिंपल तरीका है कैलकुलेटर, अगर आपके पास है तो वो कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। सही, सिंपल आपने कर लिया, अब आगे सवाल में बढ़ते हैं। 259 इस रेंज के दरमियान, 259, 266, 273 ये सब नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें पता करना है 256 और 789 के दरमियान ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने एक सीक्वेंस बना ली पूरी, 259 पे 7 ऐड करो, 266 पे 7 ऐड करो, 273 कहाँ तक, 784 तक, लास्ट टर्म कौन सी है, 784 है ऑब्वियसली। तो ये आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ए क्या है 259, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ऑब्वियसली जब मैं 7 ऐड कर रहा हूँ 7 का टेबल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी 7 होगा, लास्ट टर्म क्या है 784 है। आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मतलब n निकालना है, सब वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, n की वैल्यू क्या आ रही है 76 आ रही है। कहने का मतलब इस पूरी सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म है, 76 टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि 256 और 789 के दरमियान ऐसे 76 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला था पीडीएफ में दूंगा लेकिन मैंने करवा दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था मसला ना हो। इसी तरह मेरा प्लान था क्वेश्चन नंबर 11 को भी पीडीएफ में देने का, लेकिन फिर मेरी वो ममता अंदर से जाग गई कि यार मसला ना हो, तो मैंने वो भी करवा दिए। सही, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने करवा दिए, वो पीडीएफ में मौजूद नहीं होगा क्योंकि वो बोर्ड पर करवा रहा हूँ। सही, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, शो दैट, मतलब प्रूफ करना है आपको
सम ऑफ द पी प्लस क्यूथ टर्म. अभी क्या होता है पी प्लस क्यूथ टर्म बताता हूँ. एंड द पी माइनस क्यूथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस द पीथ टर्म ऑफ, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता. खैर सवाल क्या गिवन है वो देख लो. हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले तीन चीज़ें आई हैं इसके अंदर. एक है पी प्लस क्यूथ टर्म, वो क्या होती है, जैसे आप nth टर्म बोलते हो ना, nth टर्म का मतलब क्या है, n की फॉर्म में होता है. सेकेंड टर्म का मतलब क्या होगा, आप 2 पुट कर दो n की जगह. इसी तरह p प्लस क्यूथ टर्म का मतलब क्या है कि n की जगह p प्लस क्यू पुट कर दो, ये मतलब है सिंपल. तो n की जगह यहाँ भी p प्लस क्यू और इधर भी मैंने p प्लस क्यू एड मतलब पुट कर दिया. फिर आपके पास एक आई है p माइनस क्यूथ टर्म, तो मैंने क्या किया n की जगह p माइनस क्यू पुट कर दिया. और तीसरी आपके पास pth टर्म आई है, सही है, तो n की जगह मैंने p पुट कर दिया, सही. अब सवाल में आपको प्रूफ ये करना है कि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म इनका सम जो है, प्रूफ करना है कि वो बराबर है ट्वाइस ऑफ इस टर्म के, सही है. तो करके देख लेते हैं. सबसे पहले इनको सम कर लो आप. सम किस तरह करोगे, बस लेफ्ट हैंड साइड सम की तो राइट हैंड साइड भी सम कर लो आप, सही है. डी को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से भी, इधर भी डी से मल्टीप्लाई करवा दो. पी डी यहाँ है क्यू डी और इधर है माइनस क्यू डी, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ए प्लस ए टू ए, पी डी प्लस पी डी 2 पी डी हो जाएगा, माइनस डी माइनस डी माइनस 2 डी आपके पास हो गया. इन सब में से 2 आप कॉमन ले लो, सही. उसके बाद इन दो टर्म में से आपने डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से पी बचेगा, यहाँ से माइनस 1 बच गया. अगर आप गौर से देखो ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डी पी माइनस 1, एज इट इज ए फॉर्म है, बस डी इधर लिखा हुआ है उधर बाद में लिखा हुआ है, मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में ऑर्डर. तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, ये किसके बराबर है, टी पी के बराबर है. तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, टी पे लिख दिया. तो ये प्रूव हो गया इन दो टर्म का सम जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ इस टर्म के, मतलब ट्वाइस ऑफ टी पी टर्म के, ठीक है.